नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव और वक्त हो गया है खेल जगत की बड़ी खबरों का। आज से मुंबई में शुरू हो रहा है T20 क्रिकेट का महाकुंभ IPL 9। कोर्ट ने वानखेड़े स्टेडियम में ओपनिंग मैच खेलने की दी इजाजत। पहले मुकाबले में भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद को लगा झटका। युवराज सिंह 2 सप्ताह के लिए टीम से बाहर। टखने की चोट बनी समस्या। टीम इंडिया के हेड कोच की उम्मीदवारी में जुड़ा एक और भारतीय का नाम। वीरेंद्र सहवाग ने जताई कोच बनने की इच्छा। गांगुली सचिन और लक्ष्मण की सलाहकार समिति को करना है कोच का चुनाव। शानदार प्रदर्शन के साथ मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना और सिंधु। साइना ने बे याओन जू को आसान मुकाबले में 21-10, 21-16 से और सिंधु ने सुंग जी ह्यून को 22-20 और 21-17 से परास्त किया। ब्रैडली के खिलाफ विदाई मुकाबला खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैनी पैकियाओ। फ्लॉयड मेवेदर से हारने के बाद 11 महीने रहे मुक्केबाजी से दूर। राजनीति में करियर बनाकर सीनेट का चुनाव लड़ना चाहते हैं मैनी। और अजलन शाह कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हराया। भारत की तरफ से एकमात्र गोल रुपिंदर सिंह ने दागा। पहले मैच में जापान को हरा चुका है भारत। ये तो थी खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।